नीचे है टखनों से और नमाज में इस तरह ना करें, नमाज में ऐसे हो। बारकल्लाह फीक। निकाह के लिए वली की इजाज़त और लड़की की इजाज़त ज़रूरी है, वरना निकाह नहीं होता। लड़की राज़ी नहीं, वली राज़ी है, निकाह नहीं होता। वली राज़ी है, लड़की राज़ी, दोनों में से एक राज़ी नहीं। लड़की राज़ी है, वली नहीं राज़ी। वली राज़ी है, लड़की नहीं राज़ी। वो रिश्ता छोड़ दो और तलाश करो। निकाह नहीं होता। कई कहते हैं कोई नहीं भेज दो, फिर इनकी आपस में जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा बाद में, अब नहीं लड़की मान रही, बाद में ये जब मिलकर रहेंगे ठीक हो जाएंगे। वो निकाह ही नहीं है, किस तरह भेज रहे हैं उसको? निकाह नहीं होता जी। वली ज़बरदस्ती करे तो बदकारी करवा रहा है, निकाह तो है नहीं। वो निकाह नहीं है, निकाह के बगैर भेज रहा है अपनी अजीज़ा को। निकाह के लिए ज़रूरी है दोनों की रजामंदी। क्या उम्र के दौरान? उम्र के दौरान किस तरह? हाँ जी, देखें उम्रा करके फारिग हो गए हैं आप, उसके बाद वहां रह रहे हैं। जब एहराम खोल दिया आपने, वो सफा मरवा पर किसाई करके हिजामत बनवा ली, आप खा एहराम बांधे रखो, एहराम से निकल गए आप, फिर उसी तरह हैं जिस तरह अपने घर में रह रहे थे, अपने वतन में। सारी पाबंदियां खत्म हो गई। हाँ जी, जूड़ा पीछे कर सकती है औरत, लेकिन सर पर नहीं कर सकती, सर के ऊपर।